देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। हम सभी देखते हैं कि पंजाबी मूवीज किस तरीके से दिल की धड़कन है वर्ल्ड वाइड। हम सभी वेट करते हैं खूबसूरत सी पंजाबी मूवीज का कि कब वो थिएटर्स में रिलीज हो, हम अपनी फैमिली के साथ उस मूवी को एंजॉय करने जाए। 16th of December को एक बहुत ही प्यारी सी मूवी रिलीज होने जा रही है, उनका नाम हम जरूर आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे इनकी स्टार कास्ट आज यहाँ लुधियाना पहुंच चुके हैं। हमारे साथ है मिस्टर नवदीश। सर वेलकम टू टाइम्स पंजाबी। भी कैसे लग रहा है आज यहाँ लुधियाना पहुंचकर? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ट्रैफिक से आए हैं, प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं और बहुत वेलकमिंग था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सबसे पहले मूवी का नाम है जे तेरे नाल प्यार ना होता, तो टाइटल सुन के आप कुछ तो समझ ही गए होंगे। yes, वो शादी ब्याह वो सब चीजों से जो तामझाम हो चुके हैं पंजाब में उससे हटके है और जेन्युइनली हटके है। एक होता है बोल के और ये जेन्युइनली बहुत अलग, बहुत अच्छी मूवी है, देख के जरूर आना। और मेरा कैरेक्टर ऐसा है, बहुत सीरियस सीरियस सब कुछ चल रहा है, जो आपको मजे आने वाले हैं, जो कॉमेडी जो स्वाद आने वाला है जब मैं एंटर करूंगा तब आएगा। नवदीश आपको इतना लंबा टाइम हो गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, बॉलीवुड में किस तरीके का एक्सपीरियंस है, आप कहां ज्यादा आप एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय मैं वहां पे भी कर रहा था, ठीक है, नो डाउट वो डिफरेंस होता है, वहां पे बिजी लाइफ है, यहां पे ऐसा सब अपना सा होता है ना, जैसे फिल्म भी ऐसा कि घर पे ही काम कर रहे हैं तो वैसा सा फील होता है, वहां ऐसा प्रोफेशनल चीजें हैं, दोनों का अलग अपना अपना स्वाद है। मुद्दा क्या है, वो स्वाद बहुत टाइम ले लिया फिर ये चालू किया, वो होता ना कि अपन एक चीज खाते हैं, अपन डेली बादाम भी नहीं खा सकते, डेली खाना भी नहीं खा सकते, कुछ ना कुछ चेंज करना होता है, तो ये चेंज हुआ, यहाँ भी मजा आ रहा है, वहाँ भी मजा आ रहा है। And what do you want to say about पंजाबी food? पंजाबी food obviously बात है, जैसे मुंबई में होते थे एप्स बनाए हुए थे, बिल्कुल पेपर स्किन की हुई थी, यहाँ पे आते वो चीजें मेंटेन नहीं होती, ठीक है किए हुए हैं पर यहाँ बहुत मुश्किल होता है वो सब मेंटेन करना, पर हाँ चेहरे पे जो ग्लो रहता है, खुशी रहती है, वो यहाँ रहती है। किन किन सीरियल्स में आप काम कर चुके हैं? रोडी से तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि हम सभी देखते हैं कि आज के यूथ की आई थिंक ये मोस्ट फेवरेट एक सीरियल रहता है, लोग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इसको देखकर, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? रोडीज का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा था बिकॉज उसमें ऐसा होता था, मतलब बहुत छोटा था, लाइक मेरा सेकंड शो था, फर्स्ट मिस्टर पंजाब वो टीवी पे चल रहा था, साथ ही रोडीज में गया, वो ऐसा था कि वहाँ काम हो गया सुबह सुबह कपड़े डालो एडवेंचर करने निकल जाओ टास्क करो, और वहाँ मैं सारे टास्क जीता था, बड़ा मजा आया कि हाँ मतलब वो पागलपन होता ना जो छोटे से बच्चे को बहुत बड़ी चीज मिल गई होती है, वो चीज थी, तो उस चीज ने मेरे को बहुत सारा दिया और एकदम से बहुत बड़ा स्टेप मिला उससे मेरे को। और सीरियल्स मैंने किए हैं, पहले अपना सबसे पहले रियलिटी शो किए हैं मिस्टर पंजाब, रोडीज, फिर ये अपना बड़ो बहू, नजर, फिर मैंने एड्स बहुत किए हैं धर्मा वालों के साथ भी किए हैं, और उसके बाद मैंने शो किया है जी पंजाबी का खसमान खाएं, और अभी मेरा टीवी पे चल रहा है दिलदारियां 7:30 बजे, और उसके अलावा मेरी दो फिल्म्स और आने वाली हैं और एक सीरीज भी आने वाली है। नवदीश आपकी बातें सुनके तो लग रही है दैट यू लव एडवेंचर, लेकिन मैं नहीं ऐसा नहीं लगता कि उसी लाइन को कंटिन्यू करने में आई थिंक बहुत ज्यादा मजा आएगा, एडवेंचरस लाइन की तरह और ज्यादा फोकस करेंगे रियलिटी शोज that you love adventure. Yes. So adventure चीजों को ज़्यादा आप highlight करना चाहेंगे आने वाले time पे अपनी life में? Obviously बात है, जैसे for example आप मेरे को दो option दो ना, Big Boss या खतरों के खिलाड़ी, मैं बोलूँगा खतरों के खिलाड़ी because उसमें मजे हैं, और life में ऐसा नहीं कि मैं अगर TV show कर रहा हूँ तो मैं boring life जी रहा हूँ, मैं कभी भी boring life जी नहीं सकता, जहाँ जहाँ boring चीजें हुई मैंने काटा उस चीज को और आगे निकला। और ये चीज है कि जैसे मेरे को जो चीज करनी थी, जैसे मेरे को आप बोल दो कि जॉब करनी है तो मैं मेरे हाथ खड़े हो जाएंगे, वो क्या होता है मेरे से हो नहीं पाएगी, और जैसे अपन बोल रहे हैं एक्टिंग करनी, वो एडवेंचर ही है मेरे लिए, मेरे लिए पागलपन है, जो अपन बचपन से सपने देखे थे, जो सोच के निकले थे अपन, उस चीज को पूरा करने के लिए ना वो पागलपन होना चाहिए और वो हो रहा है। एंड यू सीम्स वेरी लाइवली क्योंकि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बिल्कुल ऐसे एक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मेरे को अच्छा लगता है। मैं लाइक अभी भी ना शो में कर रहा था तो मैंने 5 दिन का मेरा शेड्यूल था फिल्म का भी जो बाकी बचा हुआ था, जो मैं जैसी बाजी के साथ मूवी कर रहा हूँ जैसे गिल के साथ, तो 5 दिन का शेड्यूल बचा था अमर जो वार्निंग वाले हैं, तो उसमें 5 दिन जो बचे वो मैंने दिन रात शूट किया, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ 5 दिन रात से सुबह, लाइक मैंने हमारा शादी का सीक्वेंस होता था अपना शो वाला, 4:30 बजे तक शूट करना, फिर शार लेना, फिर गाड़ी आएगी, फिर वहाँ शूट करना, okay. तो जो पागलपन होता ना वो आपको नींद आने ही नहीं देता, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये भी मूवी जरूर देखना, बहुत अच्छी है, बहुत मजा आएगा। थैंक यू नवदीश फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ नवदीश सिंह जी, सॉरी नवदीश अरोड़ा, नवदीश अरोड़ा।
तो उन्होंने टाइम्स पंजाब चैनल के साथ शेयर किए कुछ वंडरफुल मोमेंट्स, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और आने वाले टाइम पे भी डेफिनेटली वो पंजाबी मूवीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि आप सुन ही चुके हो कि उन्हें पंजाब से बहुत ज्यादा प्यार है। तो होपफुली पंजाबी ऑडियंस इस मूवी को बहुत ज्यादा प्यार देगी। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू, थैंक यू सो मच। टाइम्स पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों नूं मैं गुजारिश करता कि इस चैनल नूं लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Internet's gone low, so time is for making love at you, so